तो अंकुर कार टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैं फिर नई वीडियो लाए अपनी होंडा स्टेनर की। काफी दिन से वीडियो नहीं आ रही थी तो उसके लिए सॉरी भाई, क्योंकि दो तीन गाड़ियां हैं और ये सब करने में टाइम बहुत लगता है। तो इसकी वीडियो करते हैं अपन। पहले तो जो पार्ट लेके आई हूँ, इंजन गार्ड अपने होंडा स्टेनर में लगेगा, इग्नाइटर में भी लग जाता है। इग्नाइटर के लाए क्योंकि इग्नाइटर के सस्ते पड़ रहे हैं आधे रेट में। वही आप होंडा में लोगे तो ये 1600 के पड़ेंगे और ये मेरे को 800 के दोनों पड़े, मतलब 400 के दो पार्ट में आते हैं ये। फटाक से पहले इनको पार्ट नंबर दिखाते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पार्ट नंबर है 64310ABD100RS। प्रोडक्ट है सेट आर काउल, मतलब राइट साइड का है ये। स्पोर्ट रेड कलर R321। ये कलर कोड है अपनी इग्नाइटर का, हीरो इग्नाइटर का। रेड कलर जो स्पोर्ट कलर आता है ना, स्पोर्ट रेड उसका कलर कोड है। और सेम स्टेनर भी R321, ये भी स्टेनर में कलर कोड है। तो इन्हीं कॉपी करी होगी स्टेनर की हीरो ने, या लिया होगा आप जैसे भी। फटाक से निकालो उसको, प्राइस इन्हें मिटा दिया। मेरे को पड़ा ही है इसका पर्चा लग रखा है, जो रिसीप्ट आई उसमें दिखा दूंगा मैं आपको। तो निकालो भाई, अनबॉक्सिंग करो। जैसे कि आप देख सकते हैं राइट साइड का है, और इसके अंदर मैं आपको दिखा दूं कुछ लिखा है, क्या लिखा है। हाँ, कुछ ABS प्लास्टिक लिखा है, ये कलर कोड या पार्ट नंबर। हाँ, जैसे कि आप ये देख सकते हो काउल आर अंडर, और पार्ट नंबर मैंने आपको दिखाई दिया, ये रेड कलर है। तो ये स्टिकर लिखा आता है इग्नाइटर का, सिर्फ यही पहचान है। और आप स्टेनर में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टेनर मैंने पहले ही लगा चुका हूँ इग्नाइटर का ऊपर वाला रियर काउल, ये देखिए सेम स्टिकर वाला लग जाता है। क्योंकि सस्ता पड़ता है, जो पार्ट स्टेनर का सस्ता पड़े तो स्टेनर का ले लो, जो हीरो का सस्ता पड़े वो हीरो में ले लो। एक और दिखा दो भाई, लेफ्ट वाला। हाँ, इसका पहले पार्ट नंबर और दिखा दूं भाई लोगों को मैं, ताकि वो जाके हीरो शोरूम से ले सकें ये ऑर्डर करा के। पार्ट नंबर ये आपके पास दिख रहा होगा, सेट एल काउल अंडर स्पोर्ट रेड R321, मंथ ऑफ ईयर मैन्युफैक्चर 2018। हो सके अब महंगा हो गया हो, वैसे 400 रुपए का दिया, दोनों 800 के मिले मेरे को। और ये ऑर्डर पे आए भाई, ऑर्डर करा था मैंने, पहले पैसे जमा कर दिए तब जाके आए। और ये मेरे को किसी भाई को कोरियर करना है, तो ये जाएगा हैदराबाद, इसलिए मैंने सोचा पहले इसकी वीडियो बना लूं। वो वाला भी लाओ। ये लेफ्ट वाला है भाई, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ही वही लिखा है कुछ। हाँ, ये देखिए पार्ट नंबर लिखा है। और ये ऐसे लगता है, मैं बता दूं आपको कैसे फिट होगा। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है लेफ्ट का और ये राइट का। तो ये है इसमें कुछ लॉक, ये लॉक दिख रहा है, ये ऐसे जाके ये लॉक इसमें फंस जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे फंसेंगे लॉक, ताकि आपको दिक्कत हो। बड़े प्यार से लगाना भाई, टूट भी सकता है, फाइबर आइटम है, ठीक है। ये थोड़ा अपने को ऐसा लेना है, ऐसे करके ये अंदर से सटक जाएगा। फिर यहाँ पे ये आ गया भाई फिटिंग में अपनी, ये लॉक फंस चुके हैं, दिख रहा है। फोकस ले रहा, फोकस लेते रहना। और यहाँ पे अपने दो पेच लग जाएंगे, स्क्रू या छोटे स्क्रू, और एक यहाँ लग जाएगा। ये हो गया कम्प्लीट। वैसा कैसा इसको इंस्टॉलिंग भी करके दिखा देते, चलो लगे। हाँ, अपना पेंसियस उठाना अर्जुन भाई, चलो। तो आ जाओ, पहले कहाँ से खोलना पड़ेगा, पहले यहाँ से खोलो। तो देखिए अपना स्टेनर का इंजन गार्ड खोलने के लिए ये वाला स्क्रू खोलना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये खुल गया है, ठीक है। अब मैं जाके उस तरफ का खोल देता हूँ। ये इसका नट रखा है, रोक लो, इसे करके निकल जाएगा। ये आ गया अपना होंडा वाला, है सेम बिल्कुल, देखिए आप, बिल्कुल सेम टू सेम है, कलर भी सेम है, सिर्फ स्टिकर का फर्क है, बिल्कुल सेम टू सेम है। मेरी गाड़ी कभी टूट गया तो मैं भी ऑर्डर लगा दूंगा तो आ जाएगा। पहले होंडा का भी 400 रुपए का एक आता था, मतलब 800 के दोनों, लेकिन अब प्राइस बढ़ चुके हैं, तो प्राइस बढ़ गया है तो 1600 का हो गया भाई, डबल प्राइस कर दिया होंडा ने। ये दिखाओ यहाँ पे, ये पार्ट नंबर फोकस ले, आ रहा थोड़ा पास ले आओ कैमरा, मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो ये होंडा वाले पे होंडा लिखा है, पार्ट नंबर लिखा, इस पे हीरो नहीं लिखा, लेकिन बिल्कुल सेम है, सिर्फ स्टिकर का फर्क है। ये देखो, तो लगाते हैं नए वाले को। इधर लाओ, पास आओ, इधर इधर बैठो,
तो 2009 में स्टेनर आती थी जिसमें ये इंजन गार्ड नहीं आता था, आपको उसमें लगाना है तो ये आपको ये ब्रैकेट खरीदना पड़ेगा, ये लोहे वाला ये और ये नीचे वाला फ्रेम, ये आपको ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा। इसके बाद इसमें फिटिंग हो जाएगा, उसका लेग गार्ड भी अलग आएगा, ये पुराना वाला लेग गार्ड नहीं लगेगा क्योंकि वो उसमें अड़ेगा, तो नया वाला इंस्टॉल करते हैं। तो ये है भाई इसकी ये वाली रबड़े, और ये पुराने वाले की रबड़ दिखा दूं मैं आपको, ये पुराने वाले में से आपको निकालना पड़ेगा। यदि आपकी गुम गए हैं फिर आप भाई ये रबड़ भी ऑर्डर करा देना, ये रबड़ है और ये नए वाले में ऐसे करके लग जाएगी, यूं ये लग गई ताकि ये फड़फड़ आवाज नहीं करे गड्ढों में, वो टूटे ना ज्यादा, नट टाइट हो जाए तो। ये लगा दी भाई रबड़, जैसे कि आप देख सकती है रबड़ लग गई है। उसके बाद इसकी ये बासर टाइप का कुछ है, इसका स्क्रू ये लग गया, क्या बात है। अच्छा इसमें पहले से लगा, ये लग गया। तो आपको भाई कुछ नहीं करना है, उस तरफ वाली रबड़ भी अपन निकाल लेते हैं, रोक लो भाई ऐसे करके, ये लॉक इसमें फंस जाएंगे, ये दिख रहा है आपको, ये वाले रबड़ लगी है ये भाई हुए इसमें। यहाँ मैं स्क्रू कस देता हूँ, कर सकता हूँ, पेचकस। ये भाई पेचकस, इसी तरह से आप उस साइड का भी कर सकते हो और ये फिट हो जाएगा, इजी है, कोई लाइन नहीं है, मतलब कोई भारी काम नहीं है, आप खुद कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकती हो, मैं चिट निकाल दूंगा तो स्टीकर दिखेगा आपको हीरो का, इसको मैं वापस लगा देता हूँ ये, क्योंकि मुझे कोरियर करना है किसी भाई का, ठीक है। देखो कितना बढ़िया लुक आ गया, जैसे कि आप देख सकते हो ये अपनी होंडा स्टेनर ही है, इसमें ये फिट हो गया। और भी चीजें लग सकती भाई इग्नाइटर की इसमें, जैसे कि ये रिम हो गया, होंडा में रिम महंगा आ रहा हो तो आप हीरो से ले सकते हो रिम। सॉकअप हो गए, मडगार्ड हो गया, मास्क नहीं लगेगा भाई, टैंक भी सेम है लेकिन टैंक का ढक्कन अलग है, ये टैंक सेम है लग जाएगा लेकिन ये ढक्कन अलग है उसका। इंजन गार्ड, साइलेंसर, रिम विम पूरी मैंने वीडियो पहले से ही कंपेयर करके बना चुका हूँ स्टेनर इग्नाइटर की, तो आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, दोनों में मैंने बता दिया कौन सा पार्ट इसमें लगेगा इसमें लगेगा। इंडिकेटर भी सेम है बिल्कुल। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, क्योंकि भाई ये दोबारा शूट करना आना पड़ा मेरे को, जो पहले मैं बना के ले गया था वीडियो वो हो चुकी थी किसी कारण से, मैं ऐसे डिलीट, वो वापस नहीं आ रही थी तो मेरे को दोबारा शूट करना पड़ा। प्लीज एक लाइक कर देना भाई, और भी स्टेनर की वीडियो आती रहेगी, चेनिस पॉकेट पे आएगी अभी नेक्स्ट वीडियो, चेनिस पॉकेट न्यू डलवाएंगे क्योंकि इसका हो गया खराब। और हाँ स्पेयर पार्ट पे भी आएगी भाई, एक्सीडेंट हो गया था, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर वो जानते होंगे कि इसका एक्सीडेंट हो गया, पार्ट ऑर्डर में डले, जैसे ही आएंगे उनकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी आएगी और इंस्टॉलिंग वीडियो भी आएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कंपेयर वीडियो जरूर देखना स्टेनर इग्नाइटर की, दोनों रेड कलर की हैं, दोनों को मैंने कंपेयर करके रखा, उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये और बता दूं मैं आपको, ये वाला पैनल इग्नाइटर का भाई अलग है और स्टेनर का अलग है, तो ये लाइन लग पाएगा, लग सकता है, पूरी बॉडी चेंज करना पड़ेगी, मतलब पूरा मास्क टैंक तो सेम है बिल्कुल, टैंक भी लग जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये ऊपर वाला मैंने इग्नाइटर का ही लगाया क्योंकि सस्ता पड़ रहा था मेरे को होंडा से, तो ये देख सकते हो इग्नाइटर की बेजिंग, और यहाँ पे भी ये सेम इग्नाइटर वाली है इंजन गार्ड पे, और नीचे वाला तो भाई होंडा का ही है ये, तो नीचे वाला भी इग्नाइटर का लग जाएगा और ऊपर वाला भी, और पीछे का ये मडगार्ड भी इग्नाइटर में लग जाएगा, लेग गार्ड वगैरह ये। और यदि आपके पास इग्नाइटर है, आपको ऐसा वाला चेन कवर लगवाना है उसमें, तो फुल कवर आता है इग्नाइटर में, बैक आता है लोहे का आता, तो आपको हीरो मतलब होंडा का ये हाफ वाला इग्नाइटर में भी लग जाएगा, और चेनिस पॉकेट भी लग जाएगा। निक्कू हाय बोल दो, कहना सब्सक्राइब करो, कहना सब्सक्राइब कर दो, ओके निक्कू बोल दो सब्सक्राइब करो, इधर आके हाँ, तुम भी कह दो सब्सक्राइब करो, इधर अंधेरों आ रहा हाँ। तो गाइस हर एक वीडियो हमारी सब्सक्राइब करो और लाइक करो, लाइक करो हाँ, गुड नाइट, और लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और वीडियो को हमारे शेयर करो हाँ। और यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपनी खट्टी गोली फेंक के मारो या फिर गाड़ी चढ़ा दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।